हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेक्ट यूजेज ऑफ आर्टिकल्स पर बेस्ड कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे और इन सेंटेंस में आप पाएंगे कि इसमें आर्टिकल से रिलेटेड एरर्स हैं। ओके, तो वन बाय वन करके आप देखिए और इसमें फाइंड आउट करिए कि कौन सा ऑप्शन हम चुने जिससे ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो, यानी राइट यूज ऑफ आर्टिकल्स आपको इसमें देखना है। ओके, तो बिना वेस्ट टाइम किए हुए आइए हम शुरू करते हैं, जिसमें है मेरा पहला सेंटेंस है। देखें आप लोग, ही ट्रेवल्ड बाई एन आर ए यू एस प्लेन। ओके, ये आपको देखना है और इसमें आपको ये बताना है कि यहाँ इसमें यानी यूएस प्लेन के पहले एन लगेगा या ए लगेगा, इसको इसमें से आपको चुनना है। तो ओके, तो अगर आप देखें तो यू अगर आप देखें तो ये वावेल होता है। ओके, और वावेल के साथ में एन लगता है, लेकिन यदि हम इसके साउंड पर जाएं यू के, तो ये होता है या इसका साउंड हो जाता है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग सही होगा। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, ही इज एन आर ए यूरोपियन। आप यहाँ देखेंगे सेंटेंस में तो पाएंगे कि यूरोपियन का जो स्टार्टिंग लेटर है ये ई है, किंतु इसका साउंड यू है। ओके, इसलिए इसके भी पहले ए का प्रयोग करेंगे, यानी ही इज ए यूरोपियन होगा। इट वॉज एन आर ए यूनिक साइट, यहाँ पर यू है लेकिन इसका साउंड भी या है, इसलिए इसके भी पहले ए का प्रयोग करेंगे। दिस इज एन आर ए यूजफुल बुक, यहाँ पर देखिए यहाँ यू है, इसका भी साउंड या है, इसलिए इसके भी पहले ए का प्रयोग करेंगे। ही इज एन आर ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी भी जब आप लिखेंगे तो या से शुरू करेंगे, तो इसकी यानी ये साउंड इसका कॉन्सोनेंट का है, इसलिए इसके पहले भी ए लगेगा। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देयर इज एन आर ए वन आईड डियर, इसमें आपको चुनना है कि क्या होगा, यानी वन आईड के पहले ए लगेगा अथवा एन लगेगा। तो बच्चों, जब आप वन लिखेंगे तो इसका साउंड वा से स्टार्ट होता है, इसलिए इसके पहले ए लगेगा, यानी कॉन्सोनेंट साउंड देता है। इसी तरह से आई हैव एन आर ए एक्सरे प्लैनेट, एक्सरे, एक्सरे आप लिखेंगे तो लिखेंगे एक्सरे, तो जब आप एक्सरे लिखेंगे तो एक्सरे लिखने पर ए से स्टार्ट होता है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग सही होगा। नेक्स्ट है दे रन ए आर एन एन जी ओ, तो एन जी ओ लिखेंगे तो ए से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए एन सही होगा। ही इज एन आर ए एन सी सी ऑफिसर, ठीक उसी तरह है एन सी सी, अगर एन का आप साउंड लिखेंगे तो या ना होगा, यानी ए ना एन सी सी, इसलिए इसके पहले भी एन लगेगा। माई फ्रेंड इज एन आर ए एम पी, एम पी आप हिंदी में लिखें और इसके साउंड को देखें तो आप पाएंगे एम पी, यानी जो कि वावेल है और वावेल से इसका साउंड स्टार्ट होता है, इसलिए इसके भी पहले एन लगाएंगे। नेक्स्ट है हिज फादर इज एन एम एल ए होगा, तो यहाँ पर एन सही होगा। ही इज ए आर एन एम ए, यहाँ पर एम ए भी लिखेंगे तो इसका जो साउंड है, ये भले लेटर आपका कॉन्सोनेंट का है लेकिन साउंड वावेल का है, इसलिए एन लगेगा। हिज फादर इज एन आर ए एस डी ओ, एस आप इस तरह लिखेंगे हिंदी में तो ए साउंड आता है आपका वावेल का। ओके, तो जब वावेल का साउंड आता है तो आप इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। ओके,
तो हो जाएगा एन एस डी ओ। दे गॉट इंटू ए ट्रेन आर एन ट्रेन, तो दे गॉट इंटू ए ट्रेन कर देंगे, क्योंकि इसका जो साउंड है वह कॉन्सोनेंट का है। इब्री बॉडी, इब्री बॉडी नीड्स हॉलीडे, तो इब्री बॉडी नीड्स क्या करेंगे, ए हॉलीडे करेंगे, क्योंकि इसका जो साउंड है वह कॉन्सोनेंट का है, इसलिए इसके पहले हम क्या करेंगे, ए लगा देंगे। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है इस पेज का, वह है ही ऑफन राइड हॉर्स, इसमें आपको ये या एन भरना है। ओके, तो जो आपका सही वो कर दें। तो देखिए एच ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड है। ओके, हॉर्स आप लिखेंगे हॉर्स, देखिए यच साउंड है इसलिए इसके पहले ए लगाएंगे। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ही हैड ए या एन लेसन आपको भरना है, तो ही हैड ए लेसन हो जाएगा। यू मस्ट गिव आंसर दिया है, तो ये साउंड आपका वावल का है इसलिए इसके पहले एन लगा देंगे। ही वांट्स टू बीकम ए पुलिसमैन, क्योंकि पी का जो साउंड है वो कंसोनेंट का है। नेक्स्ट है कोलकाता इज ए बिग सिटी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखें, ही केम हियर बाई ट्रेन आर बाई द ट्रेन, इसमें आपको दोनों चूज करना है कि आप बाई द ट्रेन सही है या बाई ट्रेन सही है। तो ही केम हियर बाई ट्रेन है। ओके, जिसमें बाई ट्रेन बाई बस ये होता है। ओके, यानी साधन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। अगर ट्रेन बाई ट्रेन या बाई बस है तो हम बाई बस लिखेंगे या बाई ट्रेन लिखेंगे, बाई द ट्रेन नहीं सही होता है, वो रॉन्ग है। यानी ट्रेन आपका एक साधन है, साधन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगती, इसलिए बाई ट्रेन सही। ही केम हियर बाई ट्रेन। इसी तरह से 24 वाला सेंटेंस है, उसमें भी सी गोज देयर बाई ट्रेन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, रूल्स आप देख लें। इफ द वर्ब्स प्ले लाइक लर्न आर फॉलोड बाई द नेम ऑफ एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट द शुड बी यूज्ड बिफोर इट, बट द ग्रुप वर्ब इन प्ले ऑन डज नॉट टेक एनी आर्टिकल बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट। यानी यदि किसी सेंटेंस में प्ले या लाइक या लर्न वर्ब आया हो और इसके बाद कोई इंस्ट्रूमेंट आया हुआ हो, तब आप उसके पहले द का प्रयोग कर देंगे। और किंतु यदि प्ले ऑन जो कि ग्रुप वर्ब है, क्योंकि प्ले के साथ में वर्ब जुड़ा है, तब आप किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। आई प्ले पियानो। ओके, आई प्ले द पियानो। अब यहाँ प्ले वर्ब है, ये कोई ग्रुप वर्ब नहीं है, इसलिए द पियानो सही होगा। सी प्लेज ऑन द पियानो, सी प्लेज ऑन पियानो। अब यहाँ पर देखिए ये ग्रुप वर्ब है, तो जब ग्रुप वर्ब होगा तब उसके साथ में डिफिनिट आर्टिकल द नहीं लगेगा। ओके, तब क्या हो जाएगा, सी प्लेज ऑन पियानो ये होगा। ओके, और यदि ग्रुप वर्ब नहीं है तो उसके पहले द लग जाएगा। ओके, ही लर्न्स गिटार। यहाँ पर देखिए लर्न्स है, ये कोई आपका ग्रुप वर्ब नहीं है, इसलिए द गिटार होगा। सी लाइक्स हारमोनियम, यहाँ पर देखिए ये ग्रुप वर्ब नहीं है, इसलिए इसके पहले भी, यानी जो इंस्ट्रूमेंट है इसके पहले द लग जाएगा। सी लाइक्स द हारमोनियम। ओके, आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दिस इज ए आर द स्मॉलेस्ट टीवी सेट। आपको इस जगह पर ए या द लिखना है जो उचित है, जो आपको चूज करना है। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है।
इट वॉज नॉट द बेस्ट मॉडल, ये भी आपका बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए द लगेगा। द मोस्ट पीपुल लाइक इट, मोस्ट पीपुल लाइक इट, इसमें आपको चुनना है ठीक है कि कौन सा सही होगा। याद रखें बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है ये कि यद मोस्ट के बाद में कोई नाउन आया हुआ है ओके, तो उसके पहले हम डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो मोस्ट पीपुल लाइक इट ना कि द मोस्ट पीपुल लाइक इट, इसलिए ये सेंटेंस आपका सही है मोस्ट पीपुल लाइक इट। इसी तरह से द मोस्ट ऑफ द पीपुल लाइक इट, अब यहाँ पर भी देखिए मोस्ट के बाद में आपका नाउन आया हुआ है ठीक, तो आप क्या करेंगे मोस्ट पीपुल लाइक इट आप कर देंगे ठीक। इस प्रकार से ये आपके सेंटेंस करेक्ट हो जाएंगे। यद मोस्ट के बाद में कोई एडजेक्टिव होता तब तो इसके पहले हम द लगा देते। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ मैंने कुछ हिंट भी लिख दिया है, आप समझ सकते हो कि इफ मोस्ट आर मोस्ट ऑफ इज फॉलोड बाई ए नाउन द इज नॉट यूज्ड बिफोर मोस्ट, यानी मोस्ट और मोस्ट ऑफ के बाद में अगर कोई नाउन आया है तो आप द का प्रयोग नहीं करेंगे ओके। नेक्स्ट सेंटेंस आइए देखिए, पुअर ऑलवेज सफर, यानी जो गरीब हैं वह हमेशा पीड़ित होते हैं। रिच आर सेल्डम हैप्पी, और अमीर मुश्किल से प्रसन्न होते हैं। ही इज कलेक्टिंग मनी फॉर ब्लाइंड, तो एक बात याद रखें कि जब यहाँ पुअर का मतलब होता है गरीब लोग, यानी गरीब लोग की अंग्रेजी होगी द पुअर, धनी लोगों की अंग्रेजी होगी द रिच, और ब्लाइंड लोगों की होगी द ब्लाइंड, यानी जब एडजेक्टिव के पहले हम द लगा देते हैं तब उस तरह के लोग हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर द पुअर द रिच और द ब्लाइंड कर देंगे आप और आपके सेंटेंस करेक्ट हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ऑल द मैन काइंड शुड बी हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस, बी एंजॉयड द ब्यूटी ऑफ द नेचर, वी शुड लिव इन द सोसाइटी, द मैन इज मॉर्टल ओके। तो यहाँ पर देखें आपका मैनकाइंड आया है, मैनकाइंड के पहले द लगा हुआ है और यहाँ पर नेचर के पहले द लगा हुआ है और यहाँ पर मैन के पहले लगा हुआ है। मैनकाइंड, नेचर और मैन और सोसाइटी, ये ऐसे चार शब्द हैं कि यदि इनका जनरल सेंस में हम यूज करते हैं, सामान्य सेंस में इसका प्रयोग करते हैं तब इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, यानी सेंटेंस आपका करेक्ट होगा ऑल मैन शुड बी हैप्पी, यानी आपको यहाँ ये यूज नहीं करना है। इसी तरह यहाँ पर द आपको नहीं लगाना है और यहाँ सोसाइटी के भी पहले नहीं लगाना है, और मैन इज मॉर्टल होता है ना कि द मैन इज मॉर्टल ओके। यहाँ पर मैंने कुछ हिंट्स लिख भी दिए हैं जिसका आप हेल्प भी ले सकते हैं। इफ मैनकाइंड, नेचर, सोसाइटी एंड मॉर्टल आर यूज्ड इन जनरल सेंस, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड। तो यहाँ पर मॉर्टल माने नश्वर, सोसाइटी, नेचर और मैनकाइंड सामान्य सेंस में यूज किए गए हैं, इसलिए कोई आर्टिकल के साथ प्रयोग नहीं करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ही हैड द रैंक ऑफ ए कैप्टन, ही एक्सेप्टेड द जॉब ऑफ द हेडमास्टर, ही वॉज गिवन द पोस्ट ऑफ द डायरेक्टर। आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर ए नाउन प्रीसीडेड बाई द पोस्ट, जॉब, रैंक, पोजिशन। देखिए पोस्ट, जॉब, रैंक और पोजिशन अगर दिया हुआ है तो इसके बाद में कोई भी आप आर्टिकल प्रयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा ओके। जैसे रैंक ऑफ, यहाँ पर देखिए रैंक आ गया, तो रैंक ऑफ के बाद में प्रीपोजिशन, यानी सॉरी रैंक ऑफ
के बाद में कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, यानी रैंक ऑफ कैप्टन होगा। द जॉब ऑफ हेडमास्टर होगा, यानी यहाँ द प्रयोग नहीं करेंगे। ही वॉज गिवन द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर होगा। और आपको कहीं जैसे लेटर वगैरह आप लिखते हैं या अलग लिखते हैं जिसमें रैंक जॉब पोस्ट शब्द ना लिखा हो, तब वहाँ पर इसके पहले आप द लगाते हैं। जैसे आप हेडमास्टर को ही एप्लीकेशन लिखेंगे तो द हेडमास्टर लिखेंगे, द प्रिंसिपल लिखेंगे, द कैप्टन लिखेंगे, द डायरेक्टर लिखेंगे। लेकिन यद पोस्ट जॉब और रैंक आया है और उसके बाद ये नाउन आए हुए हैं, तब इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट नियम है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, नाइल इज ए फाइन रिवर। बच्चों, नाइल ये नील नदी है, गंगा नदी है, तो याद रखें जो नदी होती है नदी के पहले, नदी के नाम के पहले द लगता है, इसलिए द नाइल और द गंगा होगा। ठीक किसी तरह से बच्चों, गीता और द गीता इज ए सेक्रेड बुक, यानी पवित्र पुस्तक है, तो पवित्र पुस्तक या आपका जो इपिक है उसके पहले द लगता है, इसलिए द गीता सही है। हिमालयाज आर द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन, जो पर्वत श्रेणियां हैं पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले द लगता है, तो आप यहां पर ये लगा देंगे। इसी तरह से है नेक्स्ट, स्पोर्ट्स मेक बॉडी द बॉडी स्ट्रांग गेम्स। अब आपको ये चुनना है कि स्पोर्ट्स मेक बॉडी केवल होगा या द बॉडी होगा। इसी तरह गेम्स मेक आर्म्स स्ट्रांग आर द आर्म्स स्ट्रांग। तो बच्चों याद रखें कि बॉडी के पहले द लगता है, और यदि बॉडी के पार्ट्स का भी बात की जाए तब भी उसके पहले द लगेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, द बॉडी वाले पोर्शन पर सही कर देंगे, द आर्म्स वाला पोर्शन आप सही कर देंगे। या हिंट भी मैंने आपके लिए लिख रखा है, द इज यूज बिफोर बॉडी आर पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के पहले अथवा बॉडी के पार्ट्स के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। माई फ्रेंड इज इन आर्मी आर इन द आर्मी, ही ज्वाइंड ए नेवी आर द नेवी, ही रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स आर द एयरफोर्स। तो बच्चों जो फोर्सेज होती हैं, आर्मी होती है, उसके पहले द लगता है, तो इन द आर्मी सही होगा, द नेवी सही होगा और द एयरफोर्स सही होगा। यानी जो हमारी सैन्य शक्तियाँ हैं, हमारी फोर्सेज हैं तीनों, उनके पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ओके, आइए, ये वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कम से कम समय में और एक ही वीडियो में इसको फिनिश किया जाए। आई हैव ए होमवर्क आर होमवर्क टू डू। अब बच्चों ये होमवर्क नहीं होता, होमवर्क होता है। ओके, तो यहाँ पर आपका सही होगा, आई हैव होमवर्क टू डू, यानी मुझे करने के लिए गृह कार्य मिला हुआ है। ओके, तो आप ये कर देंगे, यानी ए आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ही इज इन ए गुड हेल्थ आर गुड हेल्थ, ही इज इन गुड हेल्थ होता है, ये का भी प्रयोग यहाँ आप नहीं करेंगे। आई हैव रिसीव्ड ए न्यूज आर न्यूज, आई हैव रिसीव्ड न्यूज होगा, या अगर आप ए लगाना ही चाहें तो एन आइटम्स ऑफ एन आइटम ऑफ न्यूज अथवा ए पीस ऑफ न्यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि अगर आप ए पीस ऑफ न्यूज नहीं करते हैं तो केवल न्यूज होगा, इसके पहले किसी आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। द कल्प्रिट आस्क्ड फॉर ए मर्सी या मर्सी, तो यहाँ पर भी ए का प्रयोग आप नहीं करेंगे, द कल्प्रिट आस्क्ड फॉर मर्सी होगा। ओके, याद रखें, जिसे यहाँ मैंने कुछ हिंट्स लिखे हैं, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर होमवर्क हेल्थ न्यूज आर मर्सी, इन शब्दों के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करती हैं। ओके, आइए नेक्स्ट, बी रीच्ड
द होम आर होम, तो बी रीच्ड होम, होम के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए ये सही रहेगा। ही रिटर्न्ड फ्राम द होम, तो यहाँ फ्राम होम होगा। आई गो टू द स्कूल एवरी डे, आई गो टू स्कूल एवरी डे, दोनों में से आपको चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है। तो बच्चों आई गो टू स्कूल एवरी डे ये सही है। ओके बच्चों, स्कूल, हॉस्पिटल, कोर्ट, टेम्पल, इन जगहों पर यदि हम उस पर्पज़ के लिए जाते हैं जिस पर्पज़ के लिए बने हुए हैं, तब तो उसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, और यदि अन्य किसी दूसरे पर्पज़ के लिए जाते हैं तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। ओके, जैसे आई यानी मैं स्टूडेंट हूँ या मैं टीचर हूँ, ओके, तो मैं मेरा वहाँ संबंध है, या तो मैं पढ़ने जाता हूँ या पढ़ाने जाता हूँ, यानी कोई मेरा उसका उससे उद्देश्य है, उसका लगाव है, उससे मेरा कोई संबंध है, तो यहाँ पर होगा आई गो टू स्कूल। और यदि मैं लेबर होता और काम करने के लिए स्कूल जाता, तब आई गो टू द स्कूल हो जाता। ही गोज टू द कॉलेज एवरी डे, और ही गोज टू इस कॉलेज एवरी डे, दो में से चुनना है, यानी यदि वह टीचर है या स्टूडेंट है, तब तो आपका ये सही है, ही गोज टू कॉलेज एवरी डे, और एवरी डे जाने का मतलब ही है टीचर है या स्टूडेंट है। ओके, माई फादर इज ए डॉक्टर, ही गोज टू द हॉस्पिटल आर टू हॉस्पिटल डेली। अभी देखिए डॉक्टर हैं तो उनका संबंध हॉस्पिटल से है, तो वहाँ इलाज करने के पर्पज से जाते हैं, डॉक्टर ना होते अन्य किसी दूसरे पर्पज के लिए जाते तब वहाँ पर टू द हॉस्पिटल होता। ओके, और आइए नेक्स्ट देखते हैं। ही हैड ए ब्रेकफास्ट एट फाइव, आर ब्रेकफास्ट एट फाइव, ए ब्रेकफास्ट एट फाइव आर ब्रेकफास्ट एट फाइव, तो बच्चों ब्रेकफास्ट एट फाइव होगा, इसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। द 15 नंबर का आपका सेंटेंस है, देखिए इसमें आपका है ही इनवाइटेड मी टू द लंच, द डिनर, और लंच या डिनर होगा। ओके, यानी आपका ऑप्शन इस तरह का हो सकता है, ही इनवाइटेड मी टू द लंच आर लंच, या ही इनवाइटेड मी टू द डिनर आर डिनर। तो बच्चों डिनर, लंच, इन सब के पहले सुपर यानी रात का भोजन इत्यादि के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हम करेंगे ही इनवाइटेड मी टू लंच या टू डिनर करेंगे। ओके, यानी आपका ये द लंच द डिनर गलत है, लंच या डिनर सही होगा। ही टेल्स ए लाई होगा या लाई होगा, आप जनरली इसे बहुत यूज करते हैं, तो ही टेल्स ए लाई होता है ना कि लाई। एन ऑनेस्ट यहाँ पर बच्चों मैन होगा, एन ऑनेस्ट मैन स्पीक्स ट्रूथ और द ट्रूथ, याद रखें द ट्रूथ होता है, और इसके साथ में वर्ब स्पीक आती है, और जब लाई होगा तो इसके साथ में वर्ब टेल आता है। ओके, आइए नेक्स्ट द वर्क। ओके, 55 नंबर का सेंटेंस है, आप देखिए ही वर्क्स इन मॉर्निंग आर इन द मॉर्निंग, तो ही वर्क्स इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग होता है। बच्चों द का प्रयोग हम मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के पहले करते हैं, इसलिए इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग का प्रयोग करेंगे। आइए नेक्स्ट, द सन शाइन्स बाई द डे आर बाई डे, द स्टार शाइन बाई द नाइट आर बाई नाइट, माई फ्रेंड केम हियर ऑन द फूट आर ऑन फूट। बच्चों याद रखें बाई डे, बाई नाइट, एट नाइट, ऑन फूट आर एक्सेप्टेड फ्रेजेज, ये एक्सेप्टेड फ्रेजेज हैं, और इसलिए इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो आपका सेंटेंस होगा द सन शाइन्स बाई डे, द स्टार शाइन बाई नाइट,
माई फ्रेंड केम हियर ऑन फूट. ओके, सम मोर सेंटेंसेज आर हियर. सी, ही गेट्स ए गुड पे. यानी ए गुड पे सही है या गुड पे? ही गेट्स गुड पे. ओके, पे के साथ में किसी आर्टिकल का प्रयोग मत करिए. ओके, तो बच्चों आप रूल्स भी देख सकते हो कि पे, पेपर, सेफ्टी, ट्रेवल और वेदर के साथ में किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, इसलिए ही गेट्स ए गुड पे गलत होगा. गेट्स गुड पे सही है. बी राइट ऑन पेपर और ऑन ए पेपर, तो बी राइट्स ऑन पेपर होगा. बी लाइक टू हैव ए परफेक्ट सेफ्टी और परफेक्ट सेफ्टी, तो परफेक्ट सेफ्टी होगा. इसी तरह से आई लाइक ए कंफर्टेबल ट्रेवल या आई लाइक कंफर्टेबल ट्रेवल, तो कंफर्टेबल ट्रेवल होगा. इट वाज ये बैड वेदर, इट वाज ये बैड वेदर या इट वाज बैड वेदर, तो यहाँ पर बैड वेदर आपका सही है. नो आर्टिकल इज यूज विथ पे, पेपर, सेफ्टी, ट्रेवल, वेदर. तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और यदि आप इस पर नए हों, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें. बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको इस पर मिलते रहेंगे जो आपके एकेडमिक और कंपटीशन दोनों के लिए हेल्पफुल होंगे. ओके.